हेलो गाइज वेलकम टू द चैनल सो आज के इस वीडियो हम करने जा रहे हैं इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कॉन्टेबल एग्जाम काफी टाइम से आप लोगों का डिमांड था कि सर इस पर वीडियो लाओ इस पे वीडियो लाओ सो विद दिस वीडियो आज हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे कि क्या है इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी देन उसके बाद लगाएंगे इसके एमसी क्यू सो डेट कि आपको पता चले कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा वीडियो के पी के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आई थिंक ये इंडियन जी का ये लास्ट पार्ट है सारा का सारा सिलेबस मैं आपका कवर करवा चुका हूँ प्ले आपके लिए बना दी गई है मैं एक बार चेक कर लूंगा अगर कोई टॉपिक रह गया होगा वो मैं कवर करवा दूंगा इन द अपकमिंग वन और टू डेज डोंट वरी फिर इंडियन हम जीके को स्टार्ट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की पाँच नवंबर से पहले पहले जम्मू एंड कश्मीर जीके भी ख़त्म सो so, उसके बाद करेंगे रूविजन आपका सो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू सारे पी डी एफ्स वहीं आपको मिल जाएंगे सो लेट्स बिगेन दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इंडियन फॉरन ट्रेड पॉलिसी देखो नाम से ही फॉरन ट्रेड पॉलिसी यानी कि हम फॉरन में ट्रेड कर रहे हैं हम कुछ बाहर चीज़ें बेच रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ कंट्री से बाहर से कंट्री में ला रहे हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये वही पॉलिसी है जो इस वीडियो में हमने पढ़नी है ओके सो लेट्स बेगेन इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्यों बनाई गई है ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है क्योंकि देखो कोई भी कंट्री इतनी कैपेबल नहीं है कि हमारी इंडिया की एग्जांपल ले लो कि आपको लगता है कि इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी है हम इतना प्रोडक्शन कर पाएँ कि जितनी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं हमारी डेली लाइफ के लिए आप अपने फ़ोन अपने हाथ में अगर आप देखिएगा कोई चाइना का फ़ोन होगा कोई साउथ कोरिया का नॉर्थ कोरिया का कोई सैमसंग डिफरेंट कंपनीज़ के फ़ोन हमारे पास हैं इंडिया के भी फ़ोन्स हैं बट इतने इतनी डिमांड हो जाएगी कि अगर आप सपोज करो बाहर से हमें इंपोर्ट करना ही बंद कर दें बाहर से कुछ चीज़ें चीज़ें लेना ही बंद कर दें तो क्या आपको लगता है कि हम सर्वाइव कर पाएंगे कभी नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आपके हाथ में पेन होगा वो भी देखिएगा कोई मेड इन जापान होगा मेड इन चाइना ही होगा ओके तो ये चीज़ें हैं जो सेट ऑफ गाइडलाइंस जिस इसके तहत जो सेट किए गए और क्या क्या टारगेट्स हमने सेट किए हैं जैसे आपने जरूर सुना होगा हमारा जो टारगेट है 2030 तक इंडिया की इकॉनमी को ट्रू दो ट्रिलियन तक लेके जाना है दो ट्रिलियन तक तो ये वही पॉलिसीज है जिनके तहत हमने एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी कि पाँच साल के लिए सेट की जाती है पाँच साल के लिए टारगेट सेट किया जाता है तो इससे पहले जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सब मैं कवर करवाऊंगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पहले कंसेप्ट समझ लो क्वेश्चन कोई भी आप आराम से कर लेंगे फॉरन ट्रेड पॉलिसी थी दो से लेकर दो तक पाँच साल की रहती है दो में आप लोग जानते हो पेंडामिक आ गया कोविड नाइन्टीन तो उसे फिर एक्सटेंड कर दिया गया था दो तक अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर जनरली तो हमारा ईयर फर्स्ट जनवरी से हम कंसिडर करते हैं बट जो फाइनेंशियल ईयर होता है जो आर बी आई कंसिडर करता है और फ़ॉरन ट्रेड पॉलिसी में कंसिडर किया जाता है वो शुरुआत होती है फर्स्ट अप्रैल से फर्स्ट अप्रैल से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च तो ये फाइनेंशियल टर्म्स में जो फाइनेंशियल ईयर हम कहते हैं फर्स्ट अप्रैल को शुरुआत होता है और नेक्स्ट ईयर की थर्टी फर्स्ट मार्च को ख़त्म होता है तो ये फाइनेंशियल टर्म भी आप याद रखें अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पाँच साल की रहती है अगर लेट लास्ट वाली बात करूँ 2015 से 20 तक होनी थी उसे एक्सटेंड करके 2023 तक किया था कोविड पैंडमिक अब 2023 से शुरुआत हुई है फर्स्ट अप्रैल 2023 से जो चलेगी 31 मार्च 2028 तक पाँच साल तक ओके तो ये बेसिक सी जानकारी ये इसके बारे में पता होनी चाहिए हम कुछ सेट अपने कुछ यू you नो know, टारगेट सेट करते हैं अब इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या टारगेट तो सेट करते हैं बट इसके पीछे क्या मोटिव क्या है कि हम एक्सपोर्ट को बूस्ट कर पाएँ हम जो चीज़ें बाहर बेचते हैं उसको एक बूस्ट कर पाएँ और हम इंडिया में ही कुछ चीज़ें ऐसी बनाएं सो so डैट कि हमें हमारा इम्पोर्ट कम हो यू you नो know, ट्रेड डेफिसिट को कम करना ट्रेड ट्रेड सरप्लस करना ये क्या बोल रहा हूँ वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं मेन पॉलिसी के बूस्ट एक्सपोर्ट्स यानी कि बाहर हम ज़्यादा चीज़ें बेचें हमारी इंडिया की चीज़ें से बाहर जाए बाहर कंट्रीज में जाए उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा हमारा इकानमी भी स्ट्रांग होगा क्रिएट फेवरेबल ट्रेड कंडीशन स्पोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जनरेट इंप्लॉयमेंट ये कुछ इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अब बात करते हैं जैसे मैंने आपको बताया जो अभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चल रहा है जिसकी शुरुआत फर्स्ट अप्रैल 2023 से हुई है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है पीयूष गोयल वो आप याद रखें जिनके द्वारा ये पॉलिसी स्टार्ट किया गया था यू नो नॉट 2023 का जो भी इसमें डिक्लेरेशन किया गया था जो हमारे टारगेट्स हैं ओके पीयूष गोयल का नाम आप याद रख लीजिएगा जो इस इस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं ओके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो दो तक ये ट्रेड पॉलिसी आप याद रखें अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कुछ टारगेट सेट किए जाते हैं अगर मैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करूं 2000 यू you नो know, जो सेट सेट जो हमारा स्टार्ट हुआ 2023 में यू you नो know, जो हमने एक टारगेट सेट किया है बेसिकली हमने टू ट्रिलियन तक इकॉनमी एक्सपोर्ट करना है अपना टू ट्रिलियन एक्सपोर्ट बाय द ईयर 2030 तो ये हमने एक बेसिकली एम्बिश एक टारगेट भी सेट किया अब 2023 की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इसमें दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो आप जरूर याद रख लीजिएगा पीएम मित्र एंड एमनेस्टी स्कीम ये दो मेजर स्कीम्स हैं जिनका नाम आप याद रख लीजिएगा जो बेसिकली इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे ताकि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं हमारे इंडिया में चीज़ें इंक्रीज़ करें एंड टैक्स का रिडक्शन किया जाए यू you नो know, अगर जो कोई बाहर वाली कंट्री या कोई भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको हम, हम उस पर टैक्स कम लगाएं सो डैट कि हमारे कंट्री में हमारे विद इन इंडियन बाउंड्रीज़ उसका प्रोडक्शन और हमारी इंडिजीनियस यहाँ पे इंडिया में डेवलपमेंट हो और हमारा इम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा बट टू ट्रिलियन जो टारगेट हमने सेट किया है हमारे इंडियन इकॉनमी का ये दो तक ये हमने सेट किया है अंडर दिस फॉरन ट्रेड पॉलिसी दो का अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट देखो ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको कंसेप्ट कंसेप्ट इज किंग कंसेप्ट समझ आओगे तो आप इजिली कर पाओगे देखो कंसेप्ट सब करना है सभी लोग स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों की प्रैक्टिस कितनी है वो आप चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ अवर मॉक टेस्ट आज स्पेशल सेल भी है कल दीपावली है दो दिन तक सेल चलेगी Uh, आज मैं सेल स्टार्ट कर रहा करूँ कल बारह बजे तक सेल चलेगी मॉक टेस्ट आपको ओनली वन फिफ्टी में मिल जाएगा अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो मैं रिकमेंड करूँगा सजेस्ट करूँगा स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेंगी आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को ओके अगर फिफ्टी आपको वीडियो से मिल जाएगा फिफ्टी मॉक टेस्ट है खुद को टेस्ट करने को भी मिलेगा एंड एडिशनल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली क्लिक करके वन फिफ्टी में इसको एनरोल करो एंड जिसमें पाँच फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लस टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे प्लस सेक्शनल भी मिलेंगे जैसे जीएस 25 नंबर का है के मिलेंगे कंप्यूटर का है और कंप्यूटर के जो सेपरेट टॉपिक है उन पे भी आपको पर वीडियो टॉपिक मिल जाएगा यानी कि मॉक मिल जाएगी तो अभी अनरोल करें तो हां अब बात कर रहे थे 2023 के साइलेंट फीचर्स में अगर हम बात करें तो ट्रू ट्रिलियन एक्सपोर्ट हमें दो हजार तेईस तीस तक हमने करना है सबसे पहले ये पॉइंट आपने याद रखना है एक पीएम मित्र स्कीम का नाम आप याद रख लीजिएगा एंड एमनेस्टी स्कीम जो दो इंपॉर्टेंट स्कीम जो हमने इस फॉरन ट्रेड पॉलिसी में बात की ये दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स की मैं जो बात कर रहा है इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपेल पार्क एंड सेकेंड वन इज एम एस टी स्कीम तो दो मेजर स्कीम्स जो आप इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है विच इज़ नॉट रेलिवेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको नाम एटलीस्ट पता होने चाहिए अब इससे पहले जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी जो 2015 से 20 तक थी जो मैंने आपको बताया उसका जो टारगेट हमने सेट किया था 900 बिलियन बाय 2030 तक अब दो ट्रिलियन है दिस इज़ 900 बिलियन जो हमने सेट किया था ये 2020 तक था देन उसके बाद इन्होंने एक्सटेंड किया था मार्च 2023 तक क्योंकि मैंने जो आपको बताया जो कोविड पैंडमिक की वजह से और इसमें हमने क्या अचीव किया बेसिकली इन इंडिया हाउ आर लाइकली टू एंड दो हज़ार के एंड में विद द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ सेवन बिलियन यू नो यू नो तो ये हमने 2021 में अगर बात करें तो 676 था 2023 जब एंड हुआ यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तो 15 से शुरुआत हुआ था 23 में ख़त्म हुआ तो टोटल तो तो हमने जो एक्सपोर्ट वैल्यू जो हमारा था वो था 770 बिलियन उससे प्रीवियसली फाइनेंशियल ईयर में जो था वो था सेवन सिक्स बिलियन तो टोटल एंड तक हम साढ़े सात सौ सत्तर बिलियन तक हमने एक्सपोर्ट कर दिया था ये आपको यहाँ पे ये पॉइंट अपने याद रखना है फिर अब आगे चीज़ें देखते हैं इसमें क्या अब इसमें इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो कर लेते हैं दैन उसके बाद अब एम सी क्यूज लगाएंगे तो फिर आपको ये चीज़ें समझ आएंगी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज़ है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट टर्म है इन दिस पॉलिसी द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कंप्रीहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अवर ए स्पेसिफिक पीरियड टिपिकली द क्वार्टर ऑफ द ईयर क्वार्टर और ए ईयर यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वो चीज़ है जो हमें बेसिकली प्रॉपर रिकॉर्ड हमें मेंटेन करने को कहता है जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुए हैं बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विद इन द कंट्री और विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो भी हमने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किए हैं अवर ए स्पेसिफिक पीरियड उसका हिसाब किताब सब चीज़ें आती हैं अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ओके तो ये इसमें क्वार्टर वाइज भी होता है तीन मंथ का क्वार्टर का रहता है एंड और ईयर ये अकॉर्डिंगली इसे बनाया जाता है एंड इसके डिटेल्स निकाली जाती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के तहत रिकॉर्ड रहता है बेसिकली अब इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक करंट अकाउंट रहता है टे कैपिटल अकाउंट है करंट अकाउंट में हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की कुछ भी सर्विसेज आपने प्रोवाइड की हैं गुड्स को गुड्स हो गए जो सामान सर्विसेज आपने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की ओके जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर सर्विसेज आपने प्रोवाइड किया वट एवर जो भी कंप्यूटर सर्विसेज प्रोवाइड की कैपिटल अकाउंट्स में बात करें लोन एंड इन्वेस्टमेंट की तो अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि करंट अकाउंट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के तहत इसका पार्ट है ये किसके साथ डील करता है ये डील करता है गुड्स एंड सर्विसेज का और कैपिटल अकाउंट जो सेकंड अकाउंट है वो किसके साथ डील करता है वो करता है लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट का देखो मुझे पता है कि ये टॉपिक जो इस इन जेके एस ने डाला हुआ ने, है ना इट इज टोटली इरेलीवेंट है ओके एग्जाम तुम किसका ले रहे हो और क्या टॉपिक डाल रहे हो तो इरेलीवेंट टॉपिक है बट स्टिल वी हैव टू तो कवर एंड मैं आज सिलेबस देख रहा था जेके एस ने तो तीन चार टॉपिक तो रिपीट कर करके कर डाले हुए हैं यानी कि सेम जैसे अब इंग्लिश का सिलेबस अगर आप अभी जाके चेक देखेंगे क्लॉज की बात करें तो आप पूरे अगर दस से बारह टॉपिक मेंशन है दो क्लॉज उन्होंने मेंशन किया हुआ वहीं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट वो भी उन्होंने दो बार एक ही टॉपिक को दो दो बार लिखा हुआ है इन भाई साहब ने अलग अलग सेक्शंस में तो ये कुछ भी कर सकते हैं ये मुझे लगता है कि चैट जीपीटी का कमाल इन्होंने सिलेबस सोच के बिना सोचे समय डाल दिया कि हाँ भाई करो और ऊपर से टाइम भी दो एक में एक डेढ़ महीना ही दे रहे बट डोंट वरी वी विल डू अवर बेस्ट सब कर लेंगे अब ये याद रख लो बेसिक जो मैंने आपको बताया अब उसके बाद करते हैं ट्रेड क्या है जी ट्रेड अभी तक आप समझ गए ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द इंडिविजुअल बिजनेसेस यानी कि कंट्रीज़ आप इंडिविजुअल भी ट्रेड कर सकते हो डिफरेंट कंट्रीज के साथ भी कर सकते हो स्टेट भी कर सकते हो स्टेट भी कर सकते हो ओके जिसके तहत अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ट्रेड का तो बिल्कुल बेसिक सा डेफिनेशन uh, है कि आदान प्रदान करना गुड्स ऑफ सर्विसेज का बिटवीन द इंडिविजुअल्स बिजनेस और कंट्रीज इसकी फुल फॉर्म अब इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं एक पॉजिटिव ट्रेड एक नेगेटिव ट्रेड इसके बारे में जानेंगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रेड क्या है और नेगेटिव ट्रेड क्या है देखो अगर नॉर्मल सा समझो अगर हम हमारी कंट्री में जैसे सपोज करो अगर आप सपोज करो मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ अगर हम हम किसी बाहर वाली कंट्री से हंड्रेड डॉलर का कुछ बिल्कुल ले मैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ हंड्रेड डॉलर का इंपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं ओके यानी कि वहाँ से हम ले रहे हैं इम्पोर्ट करें और वहीं हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ एटी डॉलर का करें अब देखो हमने इम्पोर्ट ज़्यादा किया एक्सपोर्ट कम किया लिया हमने ज़्यादा बट बाहर हमने कितना भेजा कम भेजा तो एट दी एंड देखा जाए तो हम बाहर वाली कंट्री पे ज़्यादा रिलायबल है ना देखा जाए तो अब ये जो डिफरेंस है बिटवीन 100 और 80 क्या डिफरेंस है 20 दिस इज़ ट्रेड डेफिसिट दिस इज ट्रेड डेफिसिट जो है नेगेटिव ट्रेड बैलेंस यानी कि अगर एक्स इम्पोर्ट ज़्यादा हो एक्सपोर्ट से ओके जो हम कंट्री में यू you नो know, आप समझ रहे हो ये चीज़ें समझने की कोशिश करो अगर हम बाहर से सपोज़ करो अगर हम चाइना से पेन ले रहे हैं हंड्रेड डॉलर के पेन ले रहे हैं तो अब हमने अब उसको ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस कैसे किया ट्रेड बैलेंस कैसे रहेगा अगर हमने हंड्रेड का लिया और हंड्रेड ही एक्सपोर्ट किया इम्पोर्ट भी हंड्रेड हंड्रेड एक्सपोर्ट तो बराबर हो जाएगा वो बैलेंस हो जाएगा बट अगर हम बाहर से ज़्यादा ले रहे हैं और कम बाहर बेच रहे हैं तो वो हमारा जो जो बनेगा जो टर्म बनेगा वो नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है जिसे हम ट्रेड डेफिसिट भी बोलते हैं एंड वहीं अगर इसका उल्टा अगर हमने एक्सपोर्ट बाहर किया है हंड्रेड डॉलर और हमने इंपोर्ट सिर्फ 80 डॉलर ही किया तो 40 डॉलर का डिफरेंस आ गया वो हमारा पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है उसे हम ट्रेड सरप्लस कहते हैं तो ये दो टर्म्स आपको अब आप क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट समझ लो कुछ भी क्वेश्चन आएगा आराम से आप समझ लोगे अब 2023-24 में बेसिकली जो अभी रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है अब इसमें हमने कितना क्या क्या एक्सपोर्ट किया जी और क्या क्या इंपोर्ट किया कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया और कौन सी कंट्री से हमने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया वो कुछ डिटेल्स जान लेते हैं गुड्स अलग कैटेगरी सर्विसेज है गुड्स की बात करें तो टोटल हम बात करते हैं इनका आप कंबाइन याद रख लें टोटल गुड्स हमने जो एक्सपोर्ट की हैं यूनि एक्सपोर्ट किए हैं यानी कि हमने बाहर कंट्री को भेजा है बाहर वाली कंट्रीज़ को भेजा है ट्रिपल सेवन बिलियन ट्रिपल सेवन बिलियन तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप याद रख सकते हो कि कितना हमने बाहर एक्सपोर्ट किया है ट्रिपल सेवन और कितना हमने इम्पोर्ट किया है बाहर वाली कंट्री से इम्पोर्ट किया तो वो हमने किया है एट फोर फोर तो अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या हमारा ट्रेड सरप्लस बन रहा है या ट्रेड डेफिसिट बन रहा है अफकोर्स अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमने एक्सपोर्ट कम किया है बट इम्पोर्ट हमने लिया ज़्यादा है दिया कम है तो हम ट्रेड डेफिसिट है यू नो नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है क्योंकि हमने बाहर से ज़्यादा लिया है रेदर देन जितना हमने बाहर भेजा तो ये चीज़ आप समझ के ट्रेड डेफिसिट अगर मैं बताऊँ तो उसमें सिक्सटी सेवन बनेगा सिक्सटी सेवन बिलियन का ट्रेड डेफिसिट इसमें एड ऑन हो जाएगा तो ये अब आपको क्लियर हो गया ओके उसके बाद बात करें मेजर एक्सपोर्ट्स हम बाहर से ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या क्या चीज़ें करते हैं ओके okay. यानी कि बाहर एक्सपोर्ट हम इम्पोर्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले बाहर वाली कंट्रीज से हम क्या लेते हैं यू नो क्रूड ऑयल अगर हम बात करें पेट्रोलियम की बात करें तो हमारा जितना हमारा पेट्रोलियम हमें लगता है पूरी कंट्री में तो उसका सिर्फ 20 परसेंट ही हम यूटिलाइज़ करते हैं मतलब हमारा 20 परसेंट ही हमारे पास अपना प्रोडक्शन है बाकी 80 परसेंट हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है अगर नहीं करेंगे तो फिर तो पेट्रोलियम की यू नो काफ़ी किल्लत आ जाएगी तो इसलिए इंपोर्ट मेजर एक इम्पोर्ट्स में क्रूड पेट्रोलियम कोल की अगर बात करें गोल्ड भी हम इम्पोर्ट करते हैं ओके तो अब मेजर इम्पोर्ट कंट्रीज सबसे ज़्यादा जिन्होंने जो, जो चाइना से हम सबसे ज़्यादा गल्फ़ कंट्रीज़ से तो जैसे यू कंट्री हो गई इन कंट्रीज से हम पेट्रोलियम लेते हैं बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं, ओवरऑल सबसे ज़्यादा मॉनेटरी वैल्यूज़ में अगर मैं मॉनेटरी वैल्यूज़ में बात करूं, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट, यानी कि बाहर से आइटम्स हम कहाँ से लाते हैं कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा बात करें तो वो चाइना है चाइना से हम सबसे ज्यादा लेते हैं ओके हालांकि ऐसे आप देखते हैं हमने 2020 में जब कोविड 19 आया था और उसके बाद था कि हमने यार बंद कर दिया सब कुछ बंद कर दिया बट यू नो चाइना की मदद के बिना हमारा कंट्री चल ही नहीं सकता सीरियसली बता रहा हूँ इतनी चीजें हमारे पास चाइना की आप घर में देख लो आस आपके फ़ोन मोबाइल पेन जो भी चीज़ें हैं सब के सब चाइना से बनी है क्योंकि चाइना सस्ता बना के देता है तो भाई वो हमें लेना ही लेना है हालांकि हम खुद भी बनाएंगे बट हमें देखना भी है ना कि हमें सस्ता कहाँ से पड़ रहा है ओके okay, अब एक्सपोर्ट्स की बात करें हम रिफाइंड पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं डायमंड एक्सपोर्ट करते हैं ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं राइस को भी हम एक्सपोर्ट करते हैं ये कुछ मेजर एक्सपोर्ट्स हैं तो मेजर एक्सपोर्ट्स में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा हम अपना हमारा इंडिया का सामान सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में जाता है यूएसए नंबर वन पे है ये आपने याद रखना है किस कंट्री से सबसे ज़्यादा हम ले रहे हैं चाइना से एंड किस कंट्री को सबसे ज़्यादा दे रहे हैं वो है जी आपका यूएसए नीदरलैंड ये याद रख लीजिएगा रिसेंटली इमर्ज हुआ था थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडिया थर्ड नंबर पे बना था यानी कि नीदरलैंड तीसरा कंट्री बना था यू के बाद जिसको हम तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज्यादा यूएसए यू देन नीदरलैंड बना था भी रिसेंटली इमर्ज हुआ था तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है ओके तो ये हो गया जी बेसिक कंसेप्ट इसमें ट्रेड बैलेंस आपने बताया मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में बताया आपको देन उसके बाद ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस के बारे में बताया इतनी सी चीज़ें आपको बेसिक याद रखनी है अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एम लगाते हैं देखते हैं कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे एंड क्या आप कैपेबल हैं इन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन इसी टॉपिक में प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए कि ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन फॉरन ट्रेड पॉलिसी तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑप्शन पढ़िएगा देखना आप आंसर कर सकते हैं या खुद नहीं आप खुद समझ आएंगे टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड रिड्यूज़ इम्पोर्ट क्या मैंने आपको कहीं ऐसा बताया कि हमारा मेन टारगेट है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना और इम्पोर्ट को कम करना नहीं ऐसा कोई टारगेट नहीं है हम इम्पोर्ट भी करेंगे यू you नो know, अगर इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो आपस में कंट्रीज़ के बिटवीन कोई कंट्री इन्वेस्ट कर रही है हमारे इंडिया में कोई कोई प्लांट लगा रही है तो हमारा ऐसा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं है कि रिड्यूस करना इम्पोर्ट को इम्पोर्ट को रिड्यूस करना ऑब्जेक्टिव नहीं है बट हालांकि अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना ही बढ़ाना है तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो पहला इसका करेक्ट आंसर नहीं बन सकता हमें बिल्कुल रेलिवेंट आंसर तक पहुंच रहा है सी की बात करें टू अचीव बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस बिल्कुल हमारा ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट इम्पोर्ट सब सब्सिट्यूशन ये भी है बट मोस्ट रेलिवेंट जो इसका जो आंसर बनेगा टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इंडिया इन एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड ट्रेड ओके यानी कि हमें अपना अपना वर्ल्ड ट्रेड में एक्सपोर्ट को सबसे ज़्यादा बढ़ाना है इसका जो मोस्ट रेलिवेंट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी आई नो आपको थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग लगेगा कि सारे ऑप्शन आपको ठीक ठीक लग रहे हैं बट मोस्ट रेलिवेंट आंसर है हमने एक्सपोर्ट को तो बढ़ाना है लेकिन कहीं भी ये मैंशन नहीं है कि इम्पोर्ट को बिल्कुल कम कर देना है यानी कि वैसा नहीं है सरप्लस को अचीव तो करना ही करना है बट इसमें अगर हम बात करें मोस्ट रेलिवेंट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा टू इंक्रीज़ द शेयर ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा वट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इंडियन फॉरन ट्रेड पॉलिसी दो हजार तेईस से अट्ठाइस तक प्राइमरी फोकस हमारा क्या था यह आपने बताना है ओके okay. तो इसका जो हमारा प्राइमरी फोकस था 2023 से 2028 की जो हमारा प्राइम फोकस 2023 से 2028 के लिए है टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा वट इज द एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम अंडर ट्रेड पॉलिसी ये इंपॉर्टेंट टर्म है देखो इसमें बेसिकली क्या बात करती है इसमें ये स्कीम क्या बात करती है ईपीसीजी एक स्कीम है बेसिकली जो अलाउ करती है एक्सपोर्टर्स को यू you नो know, एक्सपोर्टर्स को टू इंपोर्ट कैपिटल एट जीरो और रिड्यूस कस्टम ड्यूटी यानी कि जो भी एक्सपोर्टर्स हैं जो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं उन, उनको सब्सिडीज़ कम लगाए जाएंगे उन उनपे उनको रिड्यूस टैक्स लगाए जाएंगे उनको कस्टम ड्यूटी उनको ज़ीरो या फिर उनको, उनको उन उनपे टैक्सेज कम लगाए जाएंगे इस स्कीम से क्या रहेगा दिस स्कीम एम्स टू इंडियन एक्सपोर्ट कंपटेटिव बाय एनेबलिंग एक्सपोर्टर्स टू अपग्रेड देयर प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ एट लोअर कॉस्ट ओके कहने का मतलब यानी कि बेसिकली सिंपल वर्ड्स में याद रखो जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको उनको टैक्स कम लगाना है एंड उनको रिड्यूस उनकी कस्टम ड्यूटी कम करना सो so डेट की यू you नो know, वो प्रॉपर वैल्यू में अमाउंट को एक्सपोर्ट कर विद पाएं सर्टन वैल्यू ऑफ गुड्स तो ये स्कीम है इसकी फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए द स्कीम एलोइंग इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एट रिड्यूस्ड और जीरो कस्टम ड्यूटी आगे बढ़ते हैं विच बॉडी इज़ द रिस्िस्िस्िस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरन ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया तो इंडिया में फॉरन ट्रेड पॉलिसी कौन सी बॉडी इंप्लीमेंट करती है दिस इज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राइट ना कॉमर्स मिनिस्टर कौन है पीयूष गोयल ये आप याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी किस मिनिस्ट्री के तहत कौन सी बॉडी इसे रेगुलेट करती है डी जी एफ टी ये आप याद रखें विच ऑज द फॉलिंग ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स द इंटरनेशनल ट्रेड तो इंटरनेशनल ट्रेड है ये कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है ग्लोबली सो so, इसे रेगुलेट करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है विच कंट्री इज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो स्टार्टिंग वाले थे मुझे पता है अब आपको लग रहा होगा सर ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है ऊपर ऊपर से जा रहा know, है आई नो इट्स लिटिल बिट कन ये इकोनॉमिक का टॉपिक है बट स्टिल जो चीज़ें बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक बताना रहा क्वेश्चन बिल्कुल आसान ही आएगा आप कर लेंगे बट पता तो एटलीस्ट होना चाहिए अब रिड्यूज टैक्स में जहाँ मैंने आपको स्कीम बताई आप अगर आपने सुना भी होगा तो अगर क्वेश्चन आया तो आप एटलीस्ट आंसर तो कर पाएंगे विच कंट्री इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाहे वो हम यू नो टू वे कॉमर्स की अगर बात करें हमने कितना इंपोर्ट किया कितना एक्सपोर्ट किया उस मामले में मॉनेटरी वैल्यू में सबसे ट्रेडिंग हमारा जो इस टाइम कौन है लार्ज ट्रेडिंग पार्टनर ये है जी हमारा चाइना पड़ोसी देश ओके okay, ये आप याद रखें उसके बाद बात करें उसके बाद यूएसए है बट नंबर वन पे है चाइना विच टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स जो कौन सा टर्म है बेसिकली जो हम डिफाइन करता है बेसिकली जो uh, टर्म है डिफरेंस वैल्यू ऑफ कंट्रीज़ इम्पोर्टेंट ओके तो कौन सी टर्म है जो डिफाइन करती है यू नो डिफरेंस बिटवी द कंट्रीज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट दिस टर्म इज़ कॉल्ड एज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर वट इज़ द मेन रीज़न फॉर द इंडियाज ट्रेड डेफिजिट हमारा ट्रेड डेफिसिट कम क्यों रहता है क्योंकि हम हम इसलिए रहता है क्योंकि हमें हमारी हाई यू नो डिमांड रहती है हाई डिपेंडेंसी रहती है क्रूड ऑयल के लिए सो हाई इम्पोर्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल इज़ द मेन रीज़न कि हमारा हमेशा ट्रेड डेफिसिट रहता है विच ओ द a इज अ मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन गुड्स हम इस कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं इनमें से मेजर डेस्टिनेशन कौन सा है देखो यू के साथ भी हमारे अच्छे इसमें यूरोपीन यूनियन भी आ जाता है एशियन कंट्रीज <coughs> भी आ जाता है सो so इसका जो मोस्ट अप्रोप्रेट आंसर बनेगा ऑल ऑफ़ देबो इन तीनों कंट्रीज़ के साथ यानी कि नेशंस के साथ हम एशियन कंट्रीज के साथ यूरोपियन यूनियन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारे मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिशन आते हैं इंडियन ऑल ऑफ देबो इसका अप्रोप्रेट आंसर बनेगा विच ओ द फॉलो इज अशियटिव आता है इंडियन गवर्मेंट टू प्रोमोट एक्सपोर्ट गुड्स यू नो प्रमोट एक्सपोर्ट गुड्स करने के लिए जो हमने एक इनिशियेटिव लिया था बाय प्राइम मिनिस्टर स्कीम को स्टार्ट किया गया था नेम ऑफ दिस स्कीम इज़ मेक इन इंडिया ओके मेक इन इंडिया में बनाएंगे खुद का भी यूज़ करेंगे और उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे तो एक इनिशियेटिव था विच इज़ यू नो टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड टू इम्प्रूव एंड टू यू नो इंक्रीज द एक्सपोर्ट फ्राम अवर कंट्री दैट इज़ मेक इन इंडिया ताकि जो चीज़ें हम इंडीजली इंडिया में बना रहे हैं so, ये हो गया जी ये इंपॉर्टेंट वीडियो इसमें एक टम और आपने याद रखनी है इकोनॉमिक स्पेशल लोन्स एक टर्म है बेसिकली एंड uh, इसके साथ साथ एक्सपोर्ट प्रमोट प्रमोशन काउंसिल्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ये तीन मेजर गवर्नमेंट इनिशेटिवस थे जिसको लिया गया था टू नो फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द इंडिया तो तीन मेजर जो इनिशिवस लिए गए थे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसल स्पेशल इकनॉमिक जोन्स एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ओके ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये तीन इनशिएटिवस आप जरूर देख लीजिएगा इसके बारे में भी इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रख लीजिएगा एंड इसके जो प्राइम ऑब्जेक्टिव थे एक्सपोर्ट को बढ़ाना फ्रॉम अवर कंट्री तो ये था जी इंपॉर्टेंट वीडियो आई नो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लीकेटेड लग रहा होगी सर ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा क्या है बट जितनी चीज़ें मैंने आपको कंसेप्ट बताया इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है सिंपल सा याद रखो कि हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या क्या हमने सेट किया एंड क्या क्या टर्म्स हैं जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको पता होना चाहिए ट्रेड uh, डेफिसिट क्या है ट्रेड सरप्लस क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में बता देना याद रखना आपका एंड uh, अभी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है कब से कब ईयर तक चल रही है लास्ट वाली एंड हमने दो ट्रिलियन का जो इकोनॉमी का टारगेट है कब तक है 2030 का हमारे मिनिस्टर कौन है इस मिनिस्ट्री के तहत पीयूष गोयल ने किस मिनिस्ट्री के तहत आती है याद रख लीजिएगा तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा है वो आप याद रख लीजिएगा पीएम मित्रा और एमनेस्टी स्कीम का रहे? याद रख लीजिएगा इतनी चीज़ें भी आप याद रखो कि ये क्वेश्चन आराम से आंसर आप कर पाओगे डोंट वरी तो ये हो गया जी आज का वीडियो अब इंपॉर्टेंट है कि अब आप उसको रिवाइज कर दें जीएस का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर हो चुका है मैं चेक कर लूँगा कौन सा टॉपिक रह गया तो उसके बाद जो भी रहेगा फिर उसके बाद हम इंडियन जम्मू एंड कश्मीर जी भी स्टार्ट करें उसके बाद वो भी मैं कवर करवा दूँगा सो so विद दिस आज का टॉपिक कवर जरूर इसका बेनिफिट उठाएं हमारे मॉक टेस्ट का मैं अगेन इसलिए इंसिस्ट करता हूं क्योंकि आज सेल भी चल रही है तो आई वांट कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट उठाएं उसमें प्रैक्टिस खुद की करें प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट तो वो अपने जरूर करनी है थैंक यू गाइस टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस थैंक यू टेक